से तारीख निकली तब से इंतजार है। बिल्कुल बेटे। और एक प्रथा है, सबसे पहले कर्ज बाद में मर्ज, क्योंकि बसंत पंचमी का भी पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल बेटे। आइए आइए, नहीं बैठे रहिए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए पहला गीत दे रही हूँ बहन जी। मुंबई वालों ने कहा है, क्या क्या कहा है मुंबई वालों ने? ठीक।
सुनिएगा, ये तो तस हो गई कि मुझे इश्क है तुझी से, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशान। सभी लोगों ने इस गीत को सुना होगा। आइए, समय और जो चला आज जिसको मनाया उसकी बात आ गई हुए कल्पना जी। मिलता क्या है, चारों तरफ एक चीज देखने को मिल रही है, और जब मैंने उस चीज को देखा तो देखा क्या, और कहना पड़ा के बागों में फूल खिलते, क्या है बहन जी, मेरे गीत में कोई विशेष बात नहीं है, जो बात मैं कहने जा रही हूँ आपको भी मालूम है, माताएं बहने भी जानती हैं। सुने के बागों में फूल खिलते, जब मैंने देखा तो देखा क्या, चारों तरफ बागों में फूल खिल रहे हैं, और के बागों में फूल खिलते कलियों पे मेहरबानी। क्या बात है बहन जी, के बागों में फूल खिलते कलियों पे मेहरबानी, और डाले हरी भरी सब फलों को, ये क्या होता जा रहा है, डाले हरी भरी सब है पसंद की निशानी, डाले हरी भरी सब चारों तरफ जब हरा भरा नजर आए तो समझ लो पसंद आ गया है। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि डाले हरी भरी सब है पसंद की निशान। कहते हैं ब्रह्मा जी की श्वास से भी बसंत का जन्म हुआ है, निवेदन कर रही हूँ कथानक याद रखिएगा, ब्रह्मा जी की श्वास से भी बसंत का जन्म हुआ है, और पहली बार कहा गया है कि कामदेव सखा के रूप में भगवान भोलेनाथ जहां तप कर रहे थे वहां पहुंच गए। जब पहुंच गए तो देखिए हुआ क्या, क्या हुआ, सुनते रहिए। ऐसा जब कथानक मिलता है तो बहन जी कह रही हूं कि सखा पल Yeah.
हस्ती, आप लोगों ने भी आनंद उठाया उठाएंगे तो कहना क्या? जब ऐसा मिला तो एक चीज देखने को मिल गई, क्या? जब कामदेव जी के साथ में सखा के रूप में बसंत आ गया तो दादाजी के बूढ़े के बूढ़े से बूढ़े प्रक्षो पर आती है जवानी। ये बात पहली बात के बूढ़े से बूढ़े प्रक्षो जो याद कर रहे थे ईश्वर को कि मेरा कब कल्याण होगा, एक समय ऐसा आ गया कि उनका कल्याण होगा वो भी जवान हो गए। तो बूढ़े से बूढ़े प्रक्षो पर डाले हरी भरी सब है फसल मुझे। कहा जाता है जब सीता और राम, सीता राम देखिए और लखन लाल और हमारे किशोरी लाल भैया जो कमेटी के सदस्य हैं, आपकी ओर से भी 51 रुपए का आशीर्वाद है। बार बार धन्यवाद बड़े भैया को प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। सुने सुने एक विशेष बात मिलती है, कहते हैं कि 14 वर्ष का वनवास हो गया, मगर जब लखन और राम सबरी के आश्रम में पहुंचे तो कहते हैं कि वो दिन भी बसंत पंचमी का था दादाजी। और जब वो दिन भी बसंत पंचमी का था तो देखिए हुआ क्या उनके आने से, के श्री राम लखन सीता जरूर। बिल्कुल बिल्कुल कहना सुने चचा, वो नहीं कहना है कि श्री राम लखन सीता जब दंडक के गाती थी राग कोयल मैंने पहले ही
गाती थी राग कोयल, गाती थी राग कोयल, बोली मधुर सुहाई। और वहां भी डाले हरी भरी सब है संत की भैया भी ध्यान दें और हमारे संजय भैया भी ध्यान दें और माताएं बहनें भी ध्यान दें। भैया लोग तो सुन रहे हैं ध्यान से, बच्चे ध्यान दें। और कहां पर क्या मिलता है? कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रास रचाया वो दिन बसंत पंचमी का आगमन हुआ। बहन जी बाकी बहुत कुछ है मिलेगा आपको कहना के श्री राधा कृष्ण जी ने जब कन्हैया और राधा ने सुने के श्री धन्यवाद। विशेषता है कि जब जब रास रचा तब तब बसंत आया तो ले कल के रंग बसंती तब तब बसंत आया। और जब ऐसा हुआ तब उस समय भी एक विशेषता मिल रही है बहन जी के मन मस्त हो मयूरे के मन मस्त हो मयूरे नाचे कथक लसानी। वहां भी मन मस्त हो मयूरे नाचे कथक लसानी और डाले हरी भरी सब है बस जरूरत नहीं बैठे। हुआ क्या कि इस दिल आराध्य मेरी मां सरस्वती है जन्मी वो दिल बसंत पावल कहते बसंत पंचमी तो मेरी बात कह रही है होली का आगमन हो बहन जी के होली का आगमन हो अमर बात सबने मानी के होली का आगमन हो अमर बात सबने मानी
और डाले हरी भरी सब है पसंद की माता रानी ने सबको सुंदर सुंदर दो दो हाथ दिए हैं। जिनके पास दो हाथ है वो दोनों हाथों को उठा लेंगे, जिनके पास एक है वो एक उठा ले, और जिनके पास नहीं है उनकी कोनो बात नहीं है, उनकी कोई बात नहीं, सरकार की तरफ से पूरी तरीके से छूट है। बोले दुर्गा मैया की, बोले सच्चे दरबार की, सच्ची सरकार की। अब आप लोग हाथ नीचे कर ले भैया, कितने अच्छे श्रोता है कि बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, चूंकि जब आप लोगों की तरफ से ऊर्जा मिलती है तो गाने का आनंद ही कुछ और रहता है। रात्रि भर में चाहे मेरी या रोशनी जी की कोई भी बात अच्छी लगे तो आप तालियों से सम्मान करते रहिएगा। विश्वास मानिए कि आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि साथ में हमारी रोशनी जी है। हृदय से प्रणाम कर रही हूँ दादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा देख रही है इसको। रोशनी जी की तरफ से आया है, और जितना अच्छा गीत है प्रयास रहेगा कि जवाब भी अच्छा बन जाए। रोशनी जी, आपका फिल्मी गीत कह रहा है कि मेरी
कह रहा है कि बागों में फूल खिलते कलियों में मेहरबानी और डाले हरी भरी सब है बसंत की निशानी। जय हो। बहुत सुंदर गीत आया है। बहुत अच्छा। बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है और आपने समय के अनुसार अपना गीत दिया है रोशनी जी। अब जवाब मुझे बसंत पर ही देना है क्योंकि बसंत पंचमी का त्योहार है। अगर आप बसंत पंचमी गा रहे हैं तो हम नाग पंचमी तो गा नहीं देंगे, ऋषि पंचमी तो गा नहीं देंगे, रंग पंचमी तो गाएंगे नहीं। अब हमें इसी में से कुछ निकालना है। आपने जो जो प्रयास किया है अब मुझे उसी में से जगह निकाल के कुछ अपनी तरफ से निकालना है। आपने कुछ जगह दिखाया है बसंत का आगमन, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी तरफ से भी जवाब में कुछ बन जाए। रोशनी जी सुनिएगा। सुनिए। आपने कहा कि बागों में हरियाली, बागों में बसंत छाए हुए हैं, डाले हरी भरी हैं, और प्रयास कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, ये जवाब पहला जवाब मेरा YouTube के माध्यम से सभी लोग सुनेंगे और आप लोग भी सुनिएगा। अच्छा लगे तो आप तालियों से आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। सुनिएगा। रोशनी जी नोट करिएगा कि खेतों में फूल सरे जाए। सुनिए। फूल सरसों खेतों
पाओगे। यहाँ तक के एम्बुलेंस भी फेल है, उससे भी नहीं आ पाएंगे। देखिए बसंत काम के बिना भी आ जाए तब तो बसंत है। पहुंची तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आनंद रूप में रहेगा। और जब विवाह करके भोलेनाथ आए तो शिव जी बोली, ये 11 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। बड़े भी हमारे किशोरीलाल भैया जी, आपके करकंडों से 51 पद मुद्राएं नमन करी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, शिव जी प्यारे लाए, शिव जी प्यारे लाए, रंग रूप भी निराले, आई बसंत रूप होई है। अब देखिए दूसरी जगह भी मिल जाए कुछ और चल रहा है वो आप समझ जाएंगी। सुनेगा सकेंगे। और उसके बाद जब मिले तो बहन जी प्रयास देखिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत
जवाब अच्छा।